हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेवंथ पार्ट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूशन लॉ। और इस वीडियो में हम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस देखेंगे। बट इस केस को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम एक बैकग्राउंड देखें। बैकग्राउंड क्यों? क्योंकि अभी तक हम बात करते आ रहे हैं कि जो जुडिशरी है एंड जो पार्लियामेंट है उसके बीच में कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कन्फ्लिक्ट आखिर बढ़ क्यों रहा था? ये जो एरा चल रहा था 1970s का, इस समय कन्फ्लिक्ट जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में क्यों इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, इसको अगर हम जाने तो हमारे लिए थोड़ा आसानी होगा आगे की चीज़ों को समझना। क्योंकि आगे हम देखेंगे कि केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट आया उसके बाद 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला दिया जाता है एंड उसके तहत भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें चेंज की जाती है। तो ये चेंजेस क्यों इतना लाए जा रहे थे, पार्लियामेंट को ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा था जुडिशरी से, तो उनको अगर समझना है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखते हैं। तो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो 1969 से हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो 12th नवंबर 1969 को क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, उस समय उनको एक्सपेल कर दिया जाता है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से किनको निकाला जा रहा है? इंदिरा गांधी को 1969 में। एंड उनको उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं दैट शी इज नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन ऑफ पार्टी। कांग्रेस पार्टी की डिसिप्लिन को वो वायलेट कर रही है, वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रही है। इसी के वजह से कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कांग्रेस पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। जब कांग्रेस पार्टी से उनको बाहर निकाल दिया गया तब कांग्रेस पार्टी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक को इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस ओ कहा गया एंड दूसरा जो पार्ट है जो इंदिरा गांधी का लीडरशिप में है उसको कांग्रेस आर कहा गया। तो जब ये पार्टी दो पार्ट में स्प्लिट हुई तो जो कांग्रेस पार्टी के 705 डेलीगेट्स हैं, 705 जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसमें से 446 जो हैं वो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में आते हैं, यानी कांग्रेस आर में आ जाते हैं। एंड ये जब चीज़ होता है, स्प्लिट होता है, तो 1971 में मार्च में जनरल इलेक्शन जो हैं वो बुला दिए जाते हैं। एंड ये जो जनरल इलेक्शन हो रहा था ये अपने शेड्यूल टाइम से 14 महीने पहले हो रहा था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर स्प्लिट होने का कारण कुछ रहा होगा। एंड वो कारण क्या रहा है, तो वो कारण ये था कि इंदिरा गांधी जो हैं वो अपनी बातों को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही थी। एंड क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी इसलिए नो डाउट जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सत्ता में रहना चाहेंगे, इसीलिए वो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में आ गए 446। एंड इसके बाद जनरल इलेक्शन जो है कॉल कर दिया जाते हैं, 14 महीने पहले इलेक्शन करवा लिया जाता है। एंड जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब पॉलिटिकल पार्टी जो है प्रचार स्टार्ट करती हैं, तो जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं वो नारा लगाती हैं दैट इंदिरा हटाओ देश बचाओ, यानी इंदिरा गांधी को हटाओ वरना देश जो है वो डूब जाएगा, ये कहना था ओपोजिशन लीडर्स का। एंड इंदिरा गांधी जो है वो स्लोगन लेती हैं कि वो कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, यानी गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने अडॉप्ट किया। एंड ये जो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने अडॉप्ट किया था इसके वजह से उनको बड़ा ही फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो 70s का एरा चल रहा था उस समय प्राइस राइज जो हैं, चीज़ों के दाम जो हैं वो काफ़ी जो तेज़ी से बढ़ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा हो रखा था, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से गरीबी जो है बहुत ज़्यादा हो रखी थी एंड करप्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो रखा था। एंड इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा उस समय रैलियां की एंड लोगों को बोला कि आप हमें सत्ता में अगर लाते हैं तो हम गरीबी जो है हटाएंगे इस देश से, आप सबका डेवलपमेंट करवाएंगे। एंड इसी बेसिस पे ये जब रिजल्ट आया 1971 के इलेक्शन का, तो उसमें 352 सीट जो है इंदिरा गांधी जीत जाती हैं, यानी कांग्रेस आर को 352 सीट्स मिलते हैं एंड कांग्रेस ओ को सिर्फ 16 सीट मिलती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 352 सीट्स उनको मिली आउट ऑफ 518 सीट, 518 में से 352 सीट वो जीत जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी जो जीत है कांग्रेस आर की होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी यहाँ पे जीत रही हैं, जीत चुकी हैं। तो इस विक्ट्री की वजह से 1971 का जो विक्ट्री मिला इंदिरा गांधी को, इसके वजह से अब ये वन मैन आर्मी के रूप में उभर रही हैं। पहले भी ये अपनी बातों को मनवाना चाह रही थी, फिर इसके वजह से पार्टी में स्प्लिट हुआ। अब पार्टी स्प्लिट हुआ तो ये तो और उभर के आई, ठीक है, इनकी पार्टी और जीत के आई, तो अब ये अपनी बातों को और मनवाना चाहेंगी, तो वो जो फेज है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड 3rd December 1971 में पाकिस्तान जो है इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है। एंड जब इंडिया जवाबी कार्रवाई शुरू करता है पाकिस्तान के ऊपर, तब अमेरिका जो है एक प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देता है इंडिया के ऊपर एंड स्टेप बैक करने को बोला जाता है इंडिया को। बट इंदिरा गांधी ने इन सारे प्रेशर्स को इग्नोर किया, अमेरिका के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था वो सारे प्रेशर को इग्नोर किया। एंड उन्होंने आर्मी चीफ उस समय मानिक शॉ थे, उनको ऑर्डर किया कि जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है आप लीजिए, बट इस वार को हमें जीतना है। एंड इसके फलस्वरूप 16 दिसंबर 1971 को क्या होता है, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सरेंडर कर देती है इंडियन आर्मी के सामने। एंड ये जो 1971 का जो वार हुआ था ये क्यों हुआ था, तो
ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करवाने के लिए, यानी आज के टाइम पे जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है कंट्री, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो उसको लिबरेट करवाने में इंडिया का ही रोल रहा था। एंड ये 1971 का ही वार था। सो जब ये वार हम जीत गए एंड पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। एंड इसके वजह से ये जो विक्ट्रीज पे विक्ट्री मिली जा रही थी, ठीक है, पहली विक्ट्री इलेक्शन की हुई जिसमें 352 सीट्स उनको मिल गए आउट ऑफ 518, एंड दूसरी विक्ट्री पाकिस्तान की आर्मी जो है इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देती है, हम वार जीत जाते हैं। ये जो विक्ट्री थी, इनकी वजह से इंदिरा गांधी की जो इमेज थी भारत के अंदर, वो इन्हेंस होती गई। ये काफ़ी मतलब इमेज इनका अच्छा होता गया एंड लोगों ने आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहना शुरू किया इंदिरा गांधी को उस समय से। एंड कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे दैट इंदिरा गांधी इज री इनकारनेशन ऑफ शक्ति, यानी वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जो हैं ये शक्ति की ही रूप हैं, ये शक्ति की ही स्वरूप हैं। तो ये जो कंपैरिजन है इंदिरा गांधी के लिए किया जाने लगा। एंड कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे थे कांग्रेस के जो कहने लगे दैट इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा इमेज जो है वो इंदिरा गांधी बन चुकी थी। एंड ये सारी चीज़ें जो उनको मिल रही थी, ये सारी जो विक्ट्रीज उनको मिल रही थी, उसके वजह से कहीं ना कहीं उनका ईगो जो है वो थोड़ा बढ़ता जा रहा था। पहले वो अपनी बातों को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही थी, अब तो उन अपनी बातों को और इम्प्लीमेंट करवाना चाहेंगी। एंड इसी की वजह से जो जुडिशियरी कुछ फैसला दे रही थी, इनको अगर अच्छा नहीं लग रहा था, इनको लग रहा था कि नहीं इनके पावर का हनन हो रहा है, इनके पावर को कोई मान नहीं रहा है, तो वो फिर कुछ अमेंडमेंट जो है, उनकी जो सरकार है कुछ अमेंडमेंट लाएगी एंड कुछ और चीज़ें लाएंगी, कुछ नया लॉज लाएंगी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, जिसके द्वारा कोशिश किया जाएगा कि जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैं इनके पावर को लिमिटेड किया जाए एंड मैक्सिमम जो पावर है वो पार्लियामेंट के हाथ में आ जाए। तो ये जो टाइम है ये स्टार्ट हो जाता है एंड इंदिरा गांधी जो हैं वो अब सारे डिसीजन, मैक्सिमम जो डिसीजन है वो अपनी मर्जी से लेती हैं एंड शी इज़ नॉट बॉदर्ड कि पार्टी के साथ कंसल्ट करना है इस डिसीजन के लिए या नहीं। वो सारे डिसीजन जो है वो खुद ले रही हैं, खुद इम्प्लीमेंट कर रही हैं, जिसके वजह से कन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाता है। एंड केशवानंदा भारती केस हम यहाँ से देखते हैं, शुरू करते हैं। तो केशवानंदा भारती जी जो हैं वो इडनीर मठ जो है केरला में उसके हेड हैं, तो ये मठ के हेड हैं। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि 24, 25, 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था, साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है इंडिया में लाए जा रहे थे एंड केरला गवर्नमेंट जो है वो भी लैंड रिफॉर्म एंड लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट जो है वो ला रही थी, जिसके तहत इंदिर मठ जो है उसके लैंड को एक्वायर करना चाह रही थी केरला गवर्नमेंट। एंड इसके अगेंस्ट में केशवानंदा भारती जी जो हैं वो केरला हाईकोर्ट जाते हैं, बट उनको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलता है। एंड उसके बाद फिर नानाभॉय फाल्कीवाला जो हैं उनके पास जब केशवानंदा भारती जी पहुँचते हैं, तब नानाभॉय फाल्कीवाला जो हैं उनको बोलते हैं कि आप आर्टिकल नंबर 26 को यूज़ करते हुए केस जो है दायर कर सकते हैं। एंड आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी रिलीजियस अफेयर मैनेज करने का हर किसी को फ्रीडम है। तो यहाँ पे ये जो इडनीर मठ है, ये मठ की बात हो रही है, यानी रिलीजियस चीज की बात हो रही है, तो यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो एक जो कम्युनिटी है वो खुद मैनेज कर सकती है एंड इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं दिखा सकती, बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो मठ का एरिया यानी रिलीजियस लैंड जो है उसको अपने अंडर में लेना चाह रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 26 जहाँ पे फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर उसका हनन हो रहा है। तो इसी के बेसिस पे केशवानंद भारती जी ने जो केस किया वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है। एंड इस समय क्या होता है, तो जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट ये अपनी चरम सीमा पर, ये पीक पॉइंट पर चल रहा है कन्फ्लिक्ट। एंड इसी समय ये जो केस है केशवानंद भारती का, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है एंड सुप्रीम कोर्ट को एक मौका मिल जाता है रिव्यू करने का उन अमेंडमेंट्स को जो पार्लियामेंट करती आ रही है इतने दिनों से, ये सारे अमेंडमेंट्स करती जा रही है वो कहां तक सही है, उनको रिव्यू करने का मौका जो है सुप्रीम कोर्ट को मिल जाता है। एंड ये जो केस है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो केस है ये इंडियन जुडिशरी के अंदर ऐसा केस है जिसके अंदर सबसे बड़ा बेंच जो है बैठाया जाता है, 13 जजों का बेंच जो है पहली बार भारतीय जुडिशरी के अंदर इसी केस में बैठी थी, ठीक है। तो सबसे बड़ा बेंच है ये जो अभी तक इंडियन जुडिशरी में बैठी है, 13 जजेस का बेंच जो है बैठा। एंड इस समय जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के वो थे एस एम सिकरी जो हैं वो उस समय के चीफ जस्टिस थे। एंड ये जो फैसला सुनाया गया ये बहुत ही कम मार्जिन से मतलब बच पाया था केस, तो 7 और 6 का यहाँ पे मार्जिन था। तो हम देख सकते हैं कि एक जज भी अगर इधर से उधर हो गए होते तो इस केस का जजमेंट जो है वो पूरी तरीके से पलट चुका होता, बट थैंक्स टू जस्टिस एच आर खन्ना
जस्टिस एच आर खन्ना जो थे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो रखा, एंड ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट एच आर खन्ना के द्वारा रखा गया, जस्टिस एच आर खन्ना के द्वारा रखा गया, उसी की वजह से ये जो केस है कहीं ना कहीं बच पाया था, एंड आज के टाइम पे हम इस केस को पढ़ रहे हैं, एंड इसके वजह से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हो पाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारतीय संविधान के लिए। देन केशवानंद भारती केस में मेजोरिटी ऑफ जो जजेस थे उन्होंने बताया कि जो गोलकनाथ केस में वर्डिक्ट दिया गया है ये सही नहीं था। ठीक है, केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया कि गोलकनाथ केस में जो फैसला सुनाया गया था वो पूरी तरीके से सही नहीं था। गोलकनाथ केस में क्या बोला गया था, तो गोलकनाथ केस में बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास ये बिल्कुल भी पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को पूरी तरीके से छीन ले। ठीक है, उनको बिल्कुल हक भी नहीं है कि वो पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को टच भी कर सके। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये गोलकनाथ केस के ज्यूरिडिक्शन में सुनाया गया था जुडिशरी के द्वारा, बट केशवानंद भारती केस में कहा गया कि गोलकनाथ केस में ये जो बातें कही गई थी ये पूरी तरीके से सही नहीं है। गवर्नमेंट को ये हक है कि वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, एंड कॉन्स्टिट्यूशन को भी वो अमेंड कर सकती है बाय वर्चू ऑफ आर्टिकल 13 पार्ट 4, बाय वर्चू ऑफ आर्टिकल 368 पार्ट 3, बाय वर्चू ऑफ आर्टिकल 368। आप इन आर्टिकल्स को यूज करके फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, भारतीय संविधान को भी अमेंड कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज ना हो। तो यहाँ पे एक तरीके से उनकी बात जो है मानी भी गई, बट एक रिस्ट्रिक्शन भी रखा गया। ठीक है, पार्लियामेंट को ये बोला गया कि आप चेंजेस ला सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए इसका क्या मतलब होता है, तो जैसा कि हमने अपने भारतीय संविधान में बोल रखा है, प्रीएम्बल में बोल रखा है कि हम एक सेकुलर स्टेट है, तो आप यानी पार्लियामेंट कोई ऐसा अमेंडमेंट ना कर दे या कुछ ऐसे चेंजेस ना कर दे भारतीय संविधान में जिसकी वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के रूप में, रिलीजियस कंट्री के रूप में उभर के आ रहे, तो ऐसा अगर चीज़ होगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो यही कहा गया कि पार्लियामेंट जो है उसको हक है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है, चेंजेस ला सकती है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है उससे डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। एंड इसी केस में बोला गया दैट प्रीएम्बल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ अमेंडेबल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से केस में ये कहा गया कि प्रीएम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो केशवानंद भारती केस में ही बोला गया कि द प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसे भी अमेंड किया जा सकता है। एंड प्रीएम्बल से रिलेटेड एक और केस था, ये भी पूछा जाता है कि कौन से केस में ये बोला गया था कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बेरूबरी जो केस हुआ था 1960 में, ये लैंड एरिया डिस्प्यूट था बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट बंगाल जो एरिया है अपना, तो आज के टाइम पे जो बांग्लादेश है एंड अपना वेस्ट बंगाल है वहाँ पे एक एरिया का डिस्प्यूट चल रहा था, एंड वो जो केस हुआ उसी को बेरूबरी केस कहा गया। तो इस केस में बोला गया कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 1960 में बोला गया कि प्रीएम्बल इज़ नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशवानंद भारती केस में क्या बोला जा रहा है दैट प्रीएम्बल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ एम्बेडेबल। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो केस का जजमेंट हुआ इसके बाद जो चीफ जस्टिस सिकरी जी जो हैं वो नेक्स्ट डे यानी 25 अप्रैल 1973 को रिटायर कर जाते हैं नेक्स्ट डे आफ्टर द जजमेंट। एंड इसके बाद जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था इंडियन ज्यूडिशरी में, यानी आई एम सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था उसके मुताबिक जो सीनियर मोस्ट नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। क्यों? बट उस समय क्या हुआ, तो जो गवर्नमेंट है वो दिए हुए फैसले से खुश नहीं है, ज्यूडिशरी ने जो फैसला दिया उससे गवर्नमेंट खुश नहीं है, इसीलिए जो पार्लियामेंट है उसने तीन सीनियर मोस्ट जजेस को नेग्लेक्ट किया एंड जो फोर्थ जज थे ANRA उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन जो चलता आ रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का वही नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनेगा, वो जो ट्रेडिशन था वो भारत की सरकार ने यानी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उसको तोड़ दिया एंड ANRA जो चौथे थे सीनियरिटी में उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। एंड इस चीज़ के प्रोटेस्ट में तीन जो सीनियर मोस्ट जज थे उनमें से पहले जो थे जस्टिस सेलत, दूसरे जो थे जस्टिस हेगड़े एंड तीसरे जो थे जस्टिस ग्रोवेर,
इन तीनों ने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि गवर्नमेंट जो है ये डिसीजन भी ले सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो पार्लियामेंट थी, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, वो जुडिशरी को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी कि जैसा वो अमेंडमेंट करना चाहें वो अमेंडमेंट जो है वो लागू हो जाए एंड सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर कुछ ना कर सके। एंड उसी बीच क्या होता है कि इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन लड़ा था राज नारायण के अगेंस्ट में रायबरेली से 1971 में, तो उस समय राज नारायण जो है उन्होंने केस कर दिया था कि रायबरेली में जो ये इलेक्शन हुआ था उसके अंदर इंदिरा गांधी ने स्टेट मशीनरी के अंदर जो है मिसयूज किया था, मीन्स अपने पावर को यूज़ किया था एंड उस वजह से वो जीती। तो चार्जेस लगाए गए थे जिसमें से कुछ जो चार्जेस हैं वो साबित हो गए कोर्ट के अंदर एंड इलाहाबाद कोर्ट ने फिर इंदिरा गांधी को कल्प्रिट जो है घोषित किया। उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जो हैं दोषी पाई जाती हैं कि उन्होंने सिस्टम में रहते हुए सिस्टम की चीज़ों को यूज़ किया, मीन्स इलेक्शन में अपने सत्ता का, अपने पावर का यूज़ किया एंड ये चार्जेस लगा दिए जाते हैं। उसके बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट वो बोलती है कि इनको इनके पदवी से हटाया जाए एंड जो पार्टी है वो इन सब चीज़ों को करे। तो 20 दिन का टाइम दिया जाता है एंड ये जो जजमेंट था इलाहाबाद कोर्ट का ये आया 12th of June 1975 को एंड 20 दिन का टाइम दिया गया, बट ये 20 दिन ख़त्म ही नहीं हुए एंड 26 जून 1975 को इमरजेंसी जो है लागू करवा दिया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इमरजेंसी लागू करवा दिया जाता है, उसके बाद इंदिरा गांधी जो है वो अपना पोजीशन जो है वो सिक्योर करने में लग जाती है एंड अपना पोजीशन सिक्योर करने में जब वो लग जाती हैं तो उसी बीच में वो 39th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाती हैं एंड 39th अमेंडमेंट एक्ट लाने का जो मेन मकसद था वो था कि अपने पोजीशन को सिक्योर किया जाए। एंड 39th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 10th अगस्त 1975 को ला दिया जाता है, जिसके तहत ये बोला जाता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है या कोई स्पीकर ऑफ लोकसभा बन जाता है, तो ये अगर बन जाते हैं तो इनके ऊपर जो है केस नहीं चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर केस चल रहा था एंड 1975 में जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, बट उस जजमेंट से बचने के लिए उन्होंने पहले क्या किया, तो 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी एंड इमरजेंसी लागू करने के बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने अमेंडमेंट ला दिया एंड उस अमेंडमेंट में अपने पोस्ट को उन्होंने सिक्योर रखने की पूरी कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी एंड बाद में इमरजेंसी जो है 1977 तक चलता है। इमरजेंसी जब ख़त्म होती है उसके बाद पहली बार मार्च 1977 में क्या हुआ कि जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी जो अपोजिशन में थी वो कंबाइन होती हैं एंड इलेक्शन लड़ती हैं अंडर द बैनर ऑफ जनता पार्टी, यानी जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी मैक्सिमम वो यूनाइट हो गई एंड जनता पार्टी के नाम से उन्होंने कोलिशन पार्टी बनाई और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा एंड यहाँ पे पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है भारत के अंदर बनी एंड कांग्रेस ओ के जो लीडर होते हैं मोरारजी देसाई वो 4th प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के एंड ये पहले नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट लाने वाले व्यक्ति बन गए, यानी जनता पार्टी जो है वो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है इंडिया की लेके आती है। एंड इसके बाद 1976 में अगर हम देखें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ला दिया जाता है, जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज की जाती है एंड DPSP जो है उसको सुपीरियर कहा जाता है ओवर फंडामेंटल राइट। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।